अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में नेशनल हाईवे 30 सुहागी पहाड़ पर भीषण बस हादसा बीती रात हुआ है। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई, 27 यात्री घायल हैं। हादसे में मृतक और घायल सभी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद सुहागी पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया। गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से त्योथर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सभी दीपावली मनाने के लिए अपने घर लौट रहे थे। रीवा जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 8319706674 जारी किया गया है। यहाँ फोन कर घटना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से रीवा में हुए बस हादसे की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रीवा में हुए हादसे पर दुख जताते हुए पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के रीवा सड़क में दुर्घटना में हुई जन हानि अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से घायलों के समुचित उपचार व उत्तर प्रदेश निवासी दिवंगतों के पार्थिव शरीर को प्रदेश तक पहुंचाने हेतु वार्ता हुई है। प्रदेश निवासी दिवंगतों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए व गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने हेतु निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को कुल 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 11 बजे सुहागी पहाड़ में हादसा हुआ है। यूपी पासिंग की बस जबलपुर से रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही थी, पहाड़ उतरे समय हादसे का शिकार हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस समय हादसा हुआ है उसमें बस की रफ्तार काफी तेज थी। प्रयागराज जा रही बस सुहागी पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देर रात हुए इस सुहागी पहाड़ में हुए बस हादसे में घायलों को देर रात देखने कलेक्टर मनोज पुष्प सहित पुलिस प्रशासन टीम सिविल अस्पताल त्योथर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उपस्थित चिकित्सकों को कलेक्टर ने हर संभव चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात कही। दसे में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 यात्री घायल हो गए। बताया गया है कि बस में ज्यादातर लोग श्रमिक हैं जो दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। प्रशासन द्वारा अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। थाना प्रभारी ओमकार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 लोगों की मौके पर जबकि 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्योथर तथा 1 व्यक्ति की मौत संजय गांधी अस्पताल रीवा में हुई है। अतिथि चक्री पर 8 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा, ऐसा लगता है कि इस ट्रैक का सामने वाले ट्रैक से एक्सीडेंट हुआ था और जब चालक ने ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रही बस ट्रैक से टकराई। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग यहाँ हैं, बचाव कार्य किया गया, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि सभी घायलों का संजय गांधी अस्पताल रीवा में निशुल्क उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना में दिवंगतों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे तथा उनके परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। दुख की इस घड़ी में जिला प्रशासन रीवा उनके साथ है। दिवंगत के पार्थिव शरीर ससम्मान प्रयागराज भेजने की व्यवस्था की गई है। रात्रि में 11-12 के आसपास जो सुहागी पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर है, जो बस दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको उसका बहुत दुख है। एक बस यात्रियों से बस उत्तर प्रदेश की बस थी जो हैदराबाद से गोंडा की तरफ जा रही थी। रात्रि में जो ताला खड़ा था वो ताले में हादसे की शिकार हुई है। बताया गया कि वो ताला भी उत्तर प्रदेश की का ही था और उसमें करीब अभी तक 14 लोगों के मरने की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। जो अस्पताल में हैं, घायल हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, इलाज करा रही है। लगातार मैं राज्य से ही संपर्क में हूँ और हमारे कलेक्टर SP वहाँ लगे हुए हैं। परिवहन विभाग पूरी तरीके से सचेत सेवाएं दे रहा है। हमारा पहला ये भी कर्तव्य है कि हम जो लोग घायल हैं उनको अच्छे अच्छा इलाज दिलाएं, अच्छे अच्छे इलाज की व्यवस्था उन्हें करवा रहे हैं ताकि वो बच सकें
और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए हम परिवार विभाग के द्वारा उनके लिए उनके ही घर द्वार की व्यवस्था कर रहे हैं। आधार कार्ड के द्वारा उनकी पहचान भी की गई, कई लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लगातार सरकार संपर्क में है, मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया है और बात की है। हम सब लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं और जो भी बन सकता बन सक रहा है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं।